हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिजवाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इस पार्ट में और इसके आने वाले पार्ट्स में आपको इस चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया गया होगा। देखिए स्टूडेंट, चलिए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो हम बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेचर से मिलती हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ह्यूमंस बनाते हैं अपने एफर्ट्स से, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम यहाँ पे टेबल में एक टेबल तैयार करें नेचुरल एंड मैनमेड ऑब्जेक्ट्स की, तो नेचुरल में हम पाएंगे एयर, वाटर, पेट्रोलियम, कोल। ये सारी चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल होती हैं ये चीज़ें। मैडमेड में आपकी बेडशीट्स, आपके क्लोथ्स, ठीक है स्टूडेंट्स, पेन, पेंसिल्स, नोटबुक्स और जो ऑटोमोबाइल्स हैं आपके पास, ये सारे मैनमेड आइटम्स हैं। तो देखिए, जो रिसोर्सेज हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं, द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स जो हमें नेचर से ऑब्टेन होती हैं, नेचर से मिलती हैं, हमारे बहुत काम की होती हैं, जिनके बिना जीना इम्पॉसिबल होता है हमारे लिए। उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिए, आगे है हमारा कि क्या एयर और वाटर जैसी चीज़ें, क्या एयर और वाटर जैसी चीज़ें एग्जॉस्ट हो सकती हैं? अब हमारे सामने ये क्वेश्चन है कि क्या एयर और वाटर जैसी चीज़ें ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से एग्जॉस्ट हो सकती हैं? तो जहाँ तक एयर, वाटर और सॉइल का सवाल है स्टूडेंट्स, ये ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास अनलिमिटेड अमाउंट में, लिमिटलेस अमाउंट में प्रेजेंट हैं, और ऐसे रिसोर्सेज कभी भी खत्म नहीं हो सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड सेकेंड इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। फर्स्ट वन इज इनएग्जॉस्टिबल एंड द सेकेंड इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो कि अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हैं और कभी भी खत्म नहीं हो सकते, एग्जॉस्ट नहीं हो सकते ह्यूमंस की वजह से, उनको हम बोलते हैं इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, सनलाइट एंड एयर। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में वो रिसोर्सेज आते हैं जिनकी अमाउंट नेचर में लिमिटेड होती है, और अगर हम उनको ठीक से इस्तेमाल ना करें तो वो खत्म हो सकते हैं। इन रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको बताऊं तो वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आगे हमें एक एक्टिविटी बताई गई है। उस एक्टिविटी में इसने इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के ड्रॉबैक्स बताए हैं। इसने क्या कहा है? इसने ये कहा है कि आपने 7 पीपल का एक ग्रुप लिया, ठीक है, और 7 पीपल के ग्रुप बनाए आपने, कई ग्रुप बनाए, और हर एक ग्रुप में आपने 3 सब ग्रुप्स बनाए, 1, 2 एंड 4 के। ये फर्स्ट जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये सेकंड जनरेशन को, ये थर्ड जनरेशन को। ऐसा स्टूडेंट्स इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे पीढ़ियां आगे जा रही हैं ह्यूमंस की, वैसे वैसे हम अपना नंबर, हम अपनी संख्या को बढ़ाते जा रही हैं। और ये कहना ये चाहता है कि नेचुरल रिसोर्सेज तो उसी अमाउंट में प्रेजेंट हैं जिस अमाउंट में आज से 100 साल पहले प्रेजेंट हुआ करते थे, लेकिन जो नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम करने वाले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि अगर हम ईटेबल्स दें, खाने की चीज़ें दें, तो नंबर 1 उनको बड़े आराम से, जो फर्स्ट जनरेशन है उसको कोई कमी नहीं होगी खाने की, बल्कि खाना बच भी जाएगा नेचर के लिए। नंबर 2 को शायद खाना पूरा पूरा मिले सेकंड जनरेशन को। थर्ड जनरेशन पहली बात तो लालची हो जाएगी। लालची क्यों हो जाएगी? क्योंकि हर कोई ये चाहेगा कि उसको पूरा खाने को मिले, उसकी पूरी भूख मिट जाए। और दूसरी बात, इस जनरेशन के सारे मेंबर्स को शायद पूरा खाना नहीं मिलेगा। तो ये यही कहना चाहता है, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमारी इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन को। ह्यूमन पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज कर रही है, ठीक है, और हमारा जो कंजम्पशन का पैटर्न है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारी ग्रीडीनेस भी लगातार बढ़ती जा रही है। जो सेटिस्फेक्शन हमसे पहले वाली, हमसे 3 जनरेशन 2 जनरेशन पहले की जो बींग्स थे उनमें जो सेटिस्फेक्शन थी, वो सेटिस्फेक्शन आज के लोगों में देखने को नहीं मिलती। तो इस चैप्टर में हम कुछ सॉरी फ्रेंड्स, इसमें हम कुछ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज यानी कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये तीनों ही रिसोर्सेज, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी फॉसिल्स से मिलकर बने हुए हैं।
इसलिए इनको फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। आगे इनकी डिटेल में आएगा कि ये फॉसिल फ्यूल्स बने कैसे हैं, क्या प्रोसेस थी, ठीक है। फिलहाल आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय फॉसिल्स, रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वर फाउंड ऑन दिस प्लैनेट मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। आज से लाखों साल पहले इस धरती पे मिलने वाले प्लांट्स और एनिमल्स की वजह से ये फॉसिल फ्यूल्स बने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, इसीलिए इनको फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। नाउ कोल, कोल के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम स्टूडेंट्स। देखिए कोल जो होता है ये पत्थर की तरह हार्ड होता है और ब्लैक कलर का होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इट इज़ वेरी वेरी हार्ड एंड इट इज़ ब्लैक इन कलर, ठीक है स्टूडेंट्स। कोल जो होता है इसका इस्तेमाल फूड कुक टू कुक फूड, यानी ये खाना पकाने के लिए आज भी कुछ जगहों पे इस्तेमाल होता है। पहले इसका इस्तेमाल रेलवे इंजन्स में किया जाता था स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए ताकि इंजन को चलाया जा सके। देखिए स्टूडेंट्स आजकल की जो ट्रेन्स हैं वो या तो डीजल पावर्ड होती हैं या जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, लेकिन जो पुरानी ट्रेन्स होती थी, जो पुराने लोकोमोटिव्स होते थे वो स्टीम इंजन्स होते थे और उन स्टीम इंजन्स में हमें कोयला डालना पड़ता था। शायद आप लोगों ने कुछ पुरानी मूवीज़ में देखा हो जहाँ बार बार जो हेल्पर होता था, एक पर्सन होता था, वो कोयला डालता रहता था रेलवे के एक रूम में जहाँ आग लगी होती थी, और जितना ज़्यादा आग फैलेगी, जितनी ज़्यादा आग बढ़ेगी ट्रेन की स्पीड भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ाई जा सकेगी। इसी तरह का सीन शायद गदर मूवी में आपको दिखाया गया था एक, ठीक है। तो उस दौरान इस तरह की जो ट्रेन्स थी वो चला करती थी जो कि कोल रन होती थी, कोयले से चलती थी। कोयले का इस्तेमाल आज भी थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। कोल का इस्तेमाल फ्यूल के तौर पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज में आज भी किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स कोल के बहुत सारे यूजेस हैं, फूड कुक करने के लिए, स्टीम इंजन को रन करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, और एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज कोल का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं स्टोरी ऑफ कोल। स्टोरी ऑफ कोल अब हम पढ़ेंगे आगे कि कोल की क्या स्टोरी है। देखिए नियर अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो, आज से लगभग 30 लाख साल पहले अर्थ के ऊपर काफ़ी घने जंगल थे लो लाइंग वेटलैंड एरियाज में। लो लाइंग वेटलैंड एरियाज का मतलब दलदली इलाके थे, वहाँ पे हमेशा पानी भरे रहने वाला इलाका था और वो लोलैंड थी। लोलैंड का मतलब बाकी ज़मीन के मुकाबले उसकी जो हाइट थी वो थोड़ी कम थी। नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से, कुछ नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से जैसे फ्लड आने की वजह से ये जो फॉरेस्ट थे ये सोयल के नीचे दब गए और इनके ऊपर और ज़्यादा मिट्टी डिपॉजिट होती गई जैसे जैसे टाइम बीतता गया। टेम्परेचर भी बढ़ता गया क्योंकि ये ज़मीन के ज़्यादा नीचे जा रहे थे, ठीक है। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के इस एक्सट्रीम कंडीशन में जो डेड प्लांट्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए, और इस प्रोसेस को हम कार्बनाइजेशन बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। एक बार फिर से स्टूडेंट्स मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। आज से लगभग 300 मिलियन ईयर्स पहले इस अर्थ पे वेटलैंड एरियाज में, ठीक है, दलदली इलाकों में काफ़ी घने जंगल मिला करते थे। उन जंगलों में एक बार काफ़ी फ्लड आ जाने की वजह से वो पूरे के पूरे जंगल जो है वो मिट्टी के नीचे दब गए किन्हीं कंडीशंस की वजह से। तो इनके उनके ऊपर और ज़्यादा मिट्टी डिपॉजिट होती गई। ऐसा इसलिए हुआ स्टूडेंट्स क्योंकि वो लो लाइंग एरियाज़ में थे ना, तो आसपास की जो मिट्टी थी, आसपास की जो चीज़ें थी वो पानी के साथ बह के वहाँ पे आने लगी और जो पूरा का पूरा जो जंगल था वो जमीन के नीचे दफन हो गया और उसके नीचे ऊपर और मिट्टी की लेयर्स डिपॉजिट होने लगी। धीरे धीरे जो फॉरेस्ट थे उनको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर ने, ये एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं जो नॉर्मली नहीं मिलती हैं स्टूडेंट्स, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की कंडीशंस ने उनको कोल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। और कोल में कन्वर्ट करने की इस प्रोसेस को कहा जाता है कार्बनाइजेशन, क्योंकि कोल के अंदर मेनली कार्बन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। व्हाई इज दिस प्रोसेस कॉल्ड कार्बन, क्योंकि इस प्रोसेस में जो हमारा मेन प्रोडक्ट बनता है कोल, इट इज मेनली मेड अप ऑफ फॉर्म्ड ऑफ कार्बन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्योंकि ये वेजिटेशन से लाखों साल पहले के प्लांट्स से बना है इसलिए इसको फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। यहाँ पे आपको फिगर 5.2 में एक कोल माइन दिखा रखी है, ठीक है। दिस इज हाउ अ कोल माइन लुक लाइक्स, ठीक है। यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनों की हेल्प से माइनिंग की जाती है, कोल को निकाला जाता है। देखिए जब कोल को हीट किया जाता है, जलाया जाता है,
तो कोल जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है मेनली। जब कोल जलता है, हम कोयले को जलाते हैं, तो मेनली उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कोयले का इस्तेमाल बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स जैसे कि कोक, कोल टार और कोल गैस बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, कोक का इस्तेमाल कोल को प्रोसेस करके हम इंडस्ट्री में कोक, कोल टार और कोल गैस जैसे बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो आज के पार्ट वन वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आप इस चैप्टर को पूरा देखना चाहते हैं तो इससे आगे आने वाले पार्ट्स को भी ज़रूर देखें। आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक, इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक, पूरे चैप्टर का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।